नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर्मेशन। बिहार में एक तरफ जहां लगातार बिहार सरकार की तरफ से नौकरियां यानी कि बहालियां निकाली जा रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुछ कुछ बहाली जो है वो अटकती हुई भी नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि बिहार में पंचायतों का कामकाज तेजी से निपटाने के लिए 6,570 लेखपाल और आईटी सहायक की नियुक्ति की प्रक्रिया अटक गई है। बहाली के लिए जुलाई में परीक्षा होनी थी, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया है। बिहार में आरक्षण सीमा 65% करने के मामले में न्यायालय की रोक के बाद पूरी प्रक्रिया रोक दी गई है। पंचायती राज विभाग ने लक्ष्य रखा था कि अक्टूबर तक सभी पंचायतों के लेखपाल और आईटी सहायक की बहाली कर दी जाएगी। जुलाई में परीक्षा के बाद सितंबर में रिजल्ट जारी करने की बात थी। पंचायतों में लेखापाल और सह आईटी सहायक की कमी के काम जो है वो प्रभावित हो रहे हैं। अभी राज्य में लगभग 1600 लेखापाल और आईटी सहायक हैं। नियुक्त के लिए घोषित किए गए 6,570 पदों में पुरुष के लिए 4,270 जबकि महिला अभ्यर्थियों के लिए 2300 पद शामिल है। बीकॉम या फिर एमकॉम या फिर सीए इंटर्न उत्तीर्ण तकरीबन 73,952 अभ्यर्थी 9 जून तक ऑनलाइन आवेदन किया था। पंचायती राज विभाग भी कि बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी ने अभ्यर्थियों से आवेदन मांगा था। परीक्षा ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी के माध्यम से आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा ली जाएगी। अकाउंटेंट से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का चयन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर होगा। संविदा के आधार पर नियुक्ति लेखपाल और आईटी सहायक को प्रतिमाह 20,000 मानदेय दिया जाना है। लेखपालों की जिम्मेदारी क्या रहेगी? पंचायतों के दस्तावेज की सही प्रकार से रखरखाव, योजनाओं की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी, राशि खर्च के बाद उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने में सहयोग, पंचायतों के विभिन्न कार्य प्रगति की स्थिति का आकलन, समय पर अंकेक्षणा करना सुनिश्चित करना, विभिन्न माध्यम से पंचायतों को भेजी गई राशि का लेख साधारण करना, कचहरी के रोकड़े बही और आय व्यय की जाँच करना। अनारक्षित कुल पदों की बात करें तो उनमें से टोटल जो है वो 143 है, जिनमें से 1068 पुरुष हैं और 575 महिला है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इसमें 657 पद हैं, जिनमें से 427 पुरुष हैं, 230 महिला है। एसी की बात करें तो 1313 पद इसमें शामिल हैं और जो इसमें जो सीट है वो 1313 सीट एसी के लिए हैं और इसमें से 853 पुरुष के लिए हैं, 460 महिलाओं के लिए हैं। तो एक तरफ जहां आपको बताते चलें कि राज्य में लगभग 1600 लेखापाल सह आईटी सहायक हैं, नियुक्ति के लिए घोषित करने के लिए जो है 6,570 पदों पर पुरुष के लिए 4,270 जबकि महिला अभ्यर्थियों के लिए 2300 पद शामिल है, लेकिन इसकी बहाली का पेज जो है वो फंस गया है। तो एक तरफ जहां बिहार सरकार लगातार अलग अलग विभागों में बहालियां निकाल रही है, तो वहीं दूसरी ओर पंचायत विभाग में बहाली का पेज जो है वो फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जुलाई महीने में ही इसके एग्जाम होने थे, लेकिन अब जुलाई का महीना खत्म हो चुका है, अगस्त शुरुआत हो गया है और ऐसे में अभी तक इसका पेंच अटका हुआ है। इसके एग्जाम कब होंगे इसको लेकर अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है।